खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद दे दूं जिन लोगों ने हमें ढेर सारे खत लिखे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें पत्र लिखते रहें और हम आपकी रेसिपीज अपने इस कार्यक्रम में इंक्लूड करते रहेंगे। आपकी फरमाइश, आपकी जितनी भी रेसिपीज जो शायद आपने पहले कभी सोची हो कि मुझे नहीं आती हैं, सीखनी है, ऐसी भी फरमाइश हमें लिख के भेजें। आज का एपिसोड आपकी रेसिपीज का। पहली रेसिपी है एग प्लांट पिज्ज़ा। जी हाँ, पिज्ज़ा बनता तो है लेकिन बैंगन से कैसे बना सकते हैं देखते हैं। बहुत सिंपल है, आसान है, नया आइडिया है, शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले बड़े साइज़ का बैंगन ले लें। ये देखिए, ख़ास तौर से भरते के लिए बैंगन अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर पिज्ज़ा के लिए हम लेंगे ये। इसके लिए बैंगन के हमने स्लाइस काटने हैं और ये जो स्लाइस है ये हमें मोटा रखना है। ये देखिए, ये जो पिज्ज़ा है, नॉर्मल जैसे हम पिज्ज़ा बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाया जाएगा, लेकिन इसका जो बेस है वो बैंगन का होगा। इसके बाद ये जो स्लाइसेस हैं इसके ऊपर हमने नमक लगाना है। जितने स्लाइस हैं नमक लगा लें और नमक लगाकर कुछ देर हमने रख देना है। तब तक हम थोड़ी और तैयारी कर लेते हैं। सीजन फ्लावर हमने बनाना है। मैदा ले लें आप, मैदा हमने ले लिया है। इसमें पेपर और नमक, इन सब चीज़ों को छान लेते हैं। ये जो बैंगन के स्लाइसेस हैं, नमक लगाने से इसमें से कुछ पानी निकलेगा और ये थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद, क्योंकि इसमें नमक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, पानी से इसे धो लें। इसका जो नमक है वो हमें निकाल देना है। पानी निकालने के बाद ये जो स्लाइसेस हैं इसे हमने सुखाना है। आप टिश्यू पेपर ले लें और इसे अच्छी तरह से दबा दें और अब इसे हम सीजन फ्लावर में रोल करेंगे। इसे हमने शैलो फ्राई करना है या तवे पे सेकना है, तो इसके लिए तवा गर्म कर लेते हैं हम। इसे हम फ्राई करेंगे ऑलिव ऑयल के अंदर। अब ये तवा भी गर्म हो चुका है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। ये जो बैंगन है इसे हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से लाल करना है। तब तक इसका हम कैनकसे तैयार कर लेते हैं। ये जो टमाटर से हमने बनाना है और इसके लिए भी ऑलिव ऑयल ही लेते हैं। ये देखिए, ये लाल होना शुरू हो गया एक स्लाइस तो। और इस पैन में ऑलिव ऑयल हमने गरम कर लिया है और सबसे पहले इसमें डालेंगे गार्लिक और इसे हमने सौते करना है, इसमें पकाना है तेल के अंदर। ये लहसुन हमने पका लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टोमेटो कनकसे। ये मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। इसे हमने बनाया है ब्लांच टमाटर, यानी टमाटर का छिलका निकाल कर उसे हमने बनाया है, उसके बीज निकाल कर उसे बारीक चॉप किया है। और इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी ताकि अच्छी तरह से मिल जाए और थोड़ा और पक जाए। अब ये जो बैंगन है ये तैयार हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। और ये जो टमाटर हैं ये भी अब तैयार हो रहे हैं, इसे थोड़ा सा और पकाना है, इसे हमने सीजन करना है। इसमें नमक डालेंगे और पेपर। पहले नमक डाल लेते हैं, इसके साथ इसमें डालें पेपर, काली मिर्च और फ्लेवर के लिए इसमें हम डालेंगे फ्रेश बेजिल। इसे मिक्स करें। जब तक इसका ये बेस तैयार होता है टमाटर का, तब तक कुछ चीज़ें मैं मिक्स कर लेता हूँ। इसकी जो टॉपिंग है उसमें हम प्याज डालेंगे, कुछ स्लाइस मशरूम, फ्रेश स्लाइस मशरूम, और यहाँ पर शिमला मिर्च है मेरे पास, लाल रंग की, हरी रंग की और पीले रंग की। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हाथ से मिला लें। ये देखिए, ये इसकी टॉपिंग तैयार हो गई है। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए आपको ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और ओवन को प्री हीट कर लेते हैं हम। ये ओवन हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है और ये बेकिंग ट्रे निकाल ली है।
और इस बेकिंग ट्रे के ऊपर ये जो बैंगन के स्लाइसेस हैं उसे रख देते हैं। अब ये जो टोमेटो कैनकसे है ये पूरी तरह से पक चुका है, इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो चुकी है, बराबर है, बहुत गाढ़ी भी नहीं है। अब इसे इसके ऊपर रखेंगे हम और फैला देते हैं इसे, और ये जो टॉपिंग है इसे इसके ऊपर रखें, और इसके बाद ऊपर से आप डालें ग्रेटेड चीज़। अब जो ओवन है वो प्री हीट हो चुका है, और ये जो एग प्लांट पिज्ज़ा है इसे हम अंदर रख देते हैं गर्मा गर्म ओवन के अंदर। अब ये जो एग प्लांट पिज्ज़ा है इसे हमने ओवन के अंदर डाल दिया है, और इसको ओवन में हमने पकाना है प्री हीटेड ओवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट पे। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय सिर्फ उतना लगेगा जितना चीज़ को मेल्ट होने में। यहाँ पर हमने प्रोसेस चीज़ का इस्तेमाल किया है क्योंकि रेसिपी में ऐसा ही लिखा था, और जो आपने रेसिपी भेजी थी उसमें प्रोसेस चीज़ मेंशन किया था। आप चाहें तो मोजरेला चीज़ डाल सकते हैं, वो अच्छी तरह से मेल्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस चीज़ है तो पूरा मेल्ट नहीं होगा। खैर, थोड़ा इसको गर्म होने दें, जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब आप इसको निकालें। आप चाहें तो इसके स्लाइसेस कर सकते हैं और इसी तरह से गर्मा गर्म सर्व करें। ये जो पिज्ज़ा है आप इसके पीसेस शायद ऐसे उठा नहीं सकते क्योंकि जो बैंगन है वो काफ़ी मॉइस्ट होता है और काफ़ी ढीला भी होता है, तो आप इसको फोर्क से खाएं, मज़ा आएगा, बढ़िया रेसिपी है। और जिन्होंने हमें ये रेसिपी भेजी है उनको हम एक ऐसी गिफ्ट भेज रहे हैं जो उनको ज़रूर पसंद आएगी, मेरी किताब है। आप अपनी रेसिपीज लिखते रहें और हम इस कार्यक्रम में उन्हें इंक्लूड करेंगे। खैर, अभी तो आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। मैं जाकर तैयारी करता हूँ एक और रेसिपी की जो आपने भेजी है। प्रॉन्स हैं, गार्लिक है, मस्टर्ड है, टोमेटो है, बहुत बढ़िया है। खैर, अभी नहीं, ब्रेक के बाद। इसके लिए हमें चाहिए 2 बैंगन, 5 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, 1/2 कप मैदा, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा लहसुन, 1 कप टोमेटो कैनकसे, 1/2 बड़ा चम्मच कुटी काली मिर्चें, कुछ ताजे बेजिल के पत्ते, 3 स्लाइस की हुई मशरूम, 1 स्लाइस की हुई प्याज, 1 कप स्लाइस की हुई शिमला मिर्चें, 1 कप ग्रेट किया हुआ चीज और नमक स्वाद अनुसार। इसके लिए आप बैंगन के मोटे मोटे स्लाइसेस काट लें और इसके ऊपर नमक लगाकर कुछ देर रखें। अब इन स्लाइसेस को पानी से धोकर सुखा लें और मैदा में काली मिर्च पाउडर और नमक मिला लें और इस मिक्सचर को बैंगन के स्लाइसेस के ऊपर लगा लें और एक तवे पर ऑलिव ऑयल लेकर इन बैंगन के स्लाइसेस को दोनों तरफ से सेक लें। सॉस के लिए आप ऑलिव ऑयल में बारीक कटा लहसुन और टोमेटो कैनकसे डालकर इसे भून लें। अब इसके अंदर पानी डालकर इसे थोड़ा पकाएं। इसमें नमक, कुटी काली मिर्चें और ताजे बेसिल के पत्ते डालकर इसे कुछ देर पका लें और एक बेकिंग ट्रे के ऊपर बैंगन के स्लाइसेस को रखें। ऊपर से पकी सॉस डालकर फैलाएं। इसके ऊपर स्लाइस की हुई प्याज, स्लाइस किए हुए मशरूम और स्लाइस की हुई शिमला मिर्च को डालें और ऊपर से ग्रेट किया हुआ चीज डालकर इसे प्रीहीट ओवन में कुछ देर बेक करें और सर्व करें। खाना खजाना के व्यूअर स्पेशल में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि आप जानते हैं आप ही लोगों का एपिसोड है, आपकी भेजी हुई रेसिपीज मैं आपको बना के बता रहा हूँ। अब ये जो अगली रेसिपी है ये हमें भेजी है पटना से आरती जी ने, और ये रेसिपी है प्रॉन्स से बनी हुई, और इसमें मस्टर्ड की पेस्ट डलिए, बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है, चुटकी में बन जाती है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये जो प्रॉन्स हैं इसको हमने बनाया है मस्टर्ड के साथ। थोड़ी सी तैयारी करनी है। यहाँ पर हमारे पास हैं स्प्रिंग आनियन, इसे हमने काटना है, इसके जो हरे पत्ते हैं वो भी हमें चाहिए, थोड़े से, ज़्यादा नहीं, और ये जो प्याज है इसे हमने रफली चॉप करना है, ये जो हरे प्याज की पत्तियां हैं इसे भी हम अलग से काट लेते हैं। ये प्याज हमने काट ली हैं। इसके साथ साथ थोड़ी और तैयारी करनी है, तब तक पैन को हम गरम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एकदम छोटे साइज़ के प्रॉन्स लिए हुए हैं और इसे साफ़ किया गया है, इसमें से वेन निकाली हुई है। और ये जो रेसिपी हमें भेजी आरती जी ने, उन्होंने उसमें लिखा है कि सबसे पहले मक्खन लेना है। आप चाहें तो इसको तेल में भी बना सकते हैं। इसमें डालते हैं प्याज, ये स्प्रिंग अनियन हमने लिया है, और इसके साथ साथ इसमें डालेंगे लहसुन। ये जो प्रॉन्स हैं इसमें लहसुन का सबसे ज़्यादा स्वाद है, तो
तो लहसुन की जो मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा है। लहसुन और प्याज एकदम हल्का सा सौते करना है, बिल्कुल रंग नहीं देना हमने। और अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, जो बॉटल में मस्टर्ड मिलती है आप वो ले सकते हैं, ये सरसों की पेस्ट है, इसको हम डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ये प्रॉन्स, छोटे साइज के प्रॉन्स हैं। ध्यान ये रखना है कि जो प्रॉन्स हैं वो ओवर कुक नहीं होने चाहिए। और प्रॉन्स डालते ही आप इसमें डालें क्रीम, देखिए पहले मक्खन फिर क्रीम, इसे हमने तेज आंच पर ही पकाना है। आप देखिए जो प्रॉन्स हैं उसने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। और इसके साथ इसमें डालेंगे टमाटो केचप और सीजनिंग के लिए थोड़ा सा नमक, क्योंकि जो मस्टर्ड पेस्ट है टमाटो केचप है उसमें नमक पहले से है, तो थोड़ा सा नमक और पेपर, थोड़ा सा पेपर डालना है हमने। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इसकी कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आ चुकी है। ये सब चीज़ें डालने के बाद इसे करीब आधे मिनट तक तेज़ आंच पर पकाना है। जैसे मैंने पहले बताया, इन प्रॉन्स को आप बिल्कुल ओवर कुक ना करें। और अब इसमें ये जो हरे प्याज हैं इसको डालें, हरे प्याज की पत्तियां जिसे हमने काटा है। हरे प्याज की पत्तियां डालने के बाद इसे करीब 30 सेकंड तक, आधे मिनट तक आपने और पकाना है। इसे बिल्कुल भी ओवर कुक ना करें, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब इसे हम बंद कर देते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, इसका रंग बढ़िया है, इसमें से जो फ्लेवर आ रहा है वो बहुत बढ़िया है, इसका जो टेस्ट है वो एकदम यूनिक है। आप चाहें तो इसको एकदम बड़े साइज़ के जंबो साइज़ के साथ, जो प्रॉन्स मिलते हैं बाज़ार में फ्रेश, उसके साथ इस सॉस को बनाएं और खाएं, मज़ा आएगा। फ्रेंच ब्रेड के साथ या गार्लिक ब्रेड के साथ इसे सर्व करें, आपकी जीत हमेशा होगी ऐसी डिशेस बनाने से। जीत का मतलब जब भी घर में कोई आए ऐसी डिश बनाए और लोग खुश होंगे आपसे और आपके यहाँ बार बार आएंगे। ये थोड़ा सा नुकसान है जी, नहीं, जब भी हमारे घर पर कोई आता है तो हम खुशी होते हैं। तो खैर, खुशी आपकी और सबकी, मेरी तो है ही, क्योंकि आप ऐसी रेसिपीज़ हमें भेजते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका रिकैप। इसके लिए हमें चाहिए 20 प्रॉन्स, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 2 बारीक कटी हरी प्याज, 2 हरे प्याज की पत्तियां बारीक कटी हुई, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा लहसुन, 2 बड़े चम्मच सरसों की पेस्ट, 3 बड़े चम्मच क्रीम, 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप, नमक स्वाद अनुसार और 1 छोटा चम्मच कुटी काली मिर्चें। इसके लिए आप प्रॉन्स को धोकर साफ कर लें और एक पैन में मक्खन लेकर इसमें बारीक कटी हरी प्याज और बारीक कटा लहसुन डालकर सौते करें। अब इसके अंदर सरसों की पेस्ट डालकर इसे मिक्स करें। इसके साथ इसमें प्रॉन्स और क्रीम को डालकर इसे सौते करें। अब इसके अंदर टोमेटो केचप, नमक और कुटी काली मिर्चें डालकर इसे तेज आंच पर करीब आधे मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें हरी प्याज की कटी पत्तियां डालकर करीब 30 सेकंड तक और पकाएं और सर्व करें। खाना खजाना के व्यूअर स्पेशल में मैं संजीव कपूर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। अब बारी आती है एक ऐसी रेसिपी की जो मीठी है। अभी आपने देखी आरती जी की रेसिपी जो प्रॉन्स की थी, बहुत बढ़िया थी। और ये रेसिपी आई है हमारे पास इंदर मोहन जी की लुधियाना से, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और इसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि इसमें चावल हैं मीठे हैं, खीर नहीं है। नाम क्या है आप सोचिए, इसकी शुरुआत कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उबले हुए चावल लेने हैं, और ये चावल उन्होंने ऐसा लिखा है कि आप जो बचे हुए चावल हैं उससे भी इसको बना सकते हैं। वैसे ये जो रेसिपी है इसका नाम है मिक्स फ्रूट खीर। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें कुछ फ्रूट्स लिए हैं हमने, आप सीजनल फ्रूट्स ले लें। यहाँ पर हमारे पास नाशपाती है, चीकू है और प्लम्स हैं, यानी आलू बुखारा। ये जितने फ्रूट्स हैं इसे हमने पहले सौते करना है। थोड़ा सा मक्खन ले लेते हैं और मक्खन में इन सब फ्रूट्स को सौते करना है। सबसे पहले हम नाशपाती डाल लेते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर सेब भी डाल सकते हैं। ये नाशपाती, चीकू, इसके साथ आलू बुखारा, इन सब को हमने काटा है।
इसके साथ पीचेस, ये भी फ्रेश हैं, आड़ू, ये जितने फ्रूट्स हैं इसे हमने हल्का सा सौते करना है। इसके साथ साथ इसमें थोड़ी हम चीनी डालेंगे, करीब 2 बड़े चम्मच चीनी। अब ये जो चीनी है इसमें मेल्ट हो चुकी है। अब ये जितने फ्रूट्स हैं इसे एक बड़ी डिश के अंदर हमने डालना है। इसे हम फैला लेते हैं। अब हमारे पास है ये चावल और इसी पैन के अंदर इसे हल्का सा हमने सौते करना है। वैसे रेसिपी में तो लिखा था कि आप इसे भी मक्खन में सौते करें, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें जो थोड़े जूसेस थे उसी में ही तेज़ आंच पर इसे हल्का सा पका रहा हूँ। वैसे आप चाहें तो मक्खन डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रहा हूँ अब। और अब इसमें हम डालेंगे दूध। दूध डालने के बाद आप इसे पका लें। वैसे तो ये जो चावल हैं पूरी तरह से पके हुए हैं, लेकिन अब दूध में इसे हमने और गलाना है ताकि जो खीर है वो इसकी बन जाए। जल्दी से खीर बन सकती है इसकी। जब तक वो उबलता है मैं थोड़ा कॉर्न स्टार्च ले लेता हूँ। वैसे यदि आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको पानी या दूध किसी में भी घोल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से घोल लें। अब देखिए धीरे धीरे उबलना शुरू हो रहा है। अब इसमें हम ये कॉर्न स्टार्च डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी बेटर करने के लिए, थोड़ा सा इसको गाढ़ा करने के लिए। और अब इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे चीनी, क्योंकि मिक्स फ्रूट खीर है तो इसमें चीनी डालेंगे। लेकिन चीनी बहुत ज़्यादा ना डालें क्योंकि इसमें एक और चीज़ हमने अभी डालनी है और वो बहुत ही मीठी होती है। पहले चीनी को थोड़ा पका लेते हैं। अब देखिए कॉर्न स्टार्च डालने की वजह से ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब ये जो है ये पक रही है, इसे हम तेज़ आंच पर पका रहे हैं, तो इसे आप चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। वैसे तो हमने नॉन स्टिक पैन लिया है लेकिन फिर भी ये नीचे थोड़ा पकड़ सकता है। देखिए कितनी जल्दी ये खीर तैयार हो गई है, क्योंकि इसमें जो चावल हैं वो हमने पके हुए लिए थे और इसके साथ इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें थोड़ा हमने कॉर्न स्टार्च डाला है। और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा कस्टर्ड भी डाल सकते हैं, कस्टर्ड पाउडर। ये अब काफ़ी गाढ़ी हो गई है और जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर एक और चीज़ अभी हमने डालनी है और वो है रोज़ सिरप। ये जो रोज़ सिरप है काफ़ी मीठा होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा था जो चीनी है वो आप ध्यान से डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। अब ये तैयार हो चुकी है और ये जो डिश है जिसमें हमने पहले फ्रूट्स को सौते किया था मक्खन में, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर उसे पकाया था, अब इसे हम इसमें डाल देते हैं। इसे इसके ऊपर डालने के बाद आप इसे गर्म या ठंडा कैसे भी सर्व कर सकते हैं। गर्म में भी मज़ा आएगा, ठंडे में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे इस रेसिपी में सजाने का उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, खैर मेरी मानिए आप ऊपर से थोड़े से चॉप्ड पिस्ता, हरा रंग इसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा, आप डाल के देखें, ब्लांच्ड पिस्ताशूज, उसको पतला पतला काटें और ऊपर से डालें और ये डिश इसी तरह से सर्व करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ऐसी रेसिपीज़ हमें भेजते रहें। और इसके बाद एक और रेसिपी, जी नहीं आज हमारे पास और रेसिपीज़ का समय नहीं है, अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसके लिए हमें चाहिए 1.25 कप उबले चावल, 1 लीटर दूध, 2 बड़े चम्मच मक्खन, 3 कटे चीकू, 1 कटी नाशपाती, 3 कटे आलू बुखारे, 2 कटे आड़ू, 4 बड़े चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और 3 बड़े चम्मच रोज सिरप। इसके लिए आप एक पैन में मक्खन लेकर इसमें कटी नाशपाती, कटा चीकू, कटा आलू बुखारा और कटे आलू डालकर इसे थोड़ा सौते करें। अब इसके अंदर चीनी डालकर थोड़ा सौते करें और इसे एक डिश में निकाल लें और इसी पैन में उबले चावल डालकर इसे थोड़ा सौते करें। अब इसके अंदर दूध डालकर इसे कुछ देर पका लें। इसे गाढ़ा करने के लिए इसमें पानी में घुला कॉर्नफ्लावर डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें चीनी और रोज सिरप डालकर मिलाएं और इसे सौते किए हुए फ्रूट्स के ऊपर डालकर गर्म या ठंडा करके सर्व करें।